मैं चाहता हूं मेरे ग्रेट अप्लाई साकेत यादव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि मैं उनके सम्मान में दो लाइन कहना चाहूंगा कि बेजान फूलों की फीकी नुमाइश, बेजान फूलों की फीकी नुमाइश, ये गुर्जे और कलियों ये ताले हटा दो, जहां से भी गुजरे मेरे साकेत सर जी वहां मेरे सीने की धड़कन मिट जाए। शिद्दत से अपना गुरु मान लिया हूं, जहां कहते हैं कि ये करना है तो वो कर दिया, और आज अपलाइन को फॉलो कर करके मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, अपलाइन को फॉलो कर। दूसरा मैसेज मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। दशरथ थोड़ा सा अंश को लेते आओ, मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, समय बहुत कम है, आप लोगों ने ज्यादा समय दिया है, लेकिन आज जो मैं चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको देखने के बाद आपकी जिंदगी में आज वो किक मिल जाएगी कि आपको धनवंतरी बायो साइंस क्यों करना है। और मैं इसलिए कहूंगा आप लोगों को कि आज उस मैसेज को पूरी तरीके से अपने दिल और दिमाग ध्यान में पूरी पिक्चर बना के जाना, क्योंकि मैं आज पूरी पिक्चर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। हम 4 साल से पढ़ाई करते हैं, 16 साल तक पढ़ाई करते हैं, 21 साल लगातार सीखते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, एग्जाम की फीस भरते हैं, लगातार एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, सारा कुछ करने के बावजूद आपको 80% लोगों को गवर्नमेंट बैठी नौकरी लाया नहीं। नो डाउट इस स्टेट से मैं चैलेंज करता हूं, अगर साकेत यादव से 2 साल में 11 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए फीस और 20,000 रुपए पढ़े की, तो नो डाउट आप जो है यहाँ पे 2 साल में भी 11 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, अगर कोई एक इंसान वहां पे पहुंच चुका है तो। उसके लिए आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। दूसरी, अब मैं अपने मेन मैसेज पे आता हूँ कि बिगाड़े जिंदगी को जो पढ़ाई वो नहीं होती, बिगाड़े जिंदगी को जो पढ़ाई वो नहीं होती, बना के जिंदगी को जो पढ़ाई उसको कहते हैं। बताने के नहीं काबिल हकीकत जानते हैं आप, नहीं मोहताज बच्चे की बेरोजगारी जिसको कहते हैं। बेचता आम था लेकिन समर्पण उसका पक्का था। रचा इतिहास है जिसने, जो अंबानी उसको कहते हैं, जवां रखा उस सपनों को उम्र की 60-55 की लगा दे आज पानी में जवानी उसको कहते हैं। ना भूलो दोस्तों, तुमने जवानी आज आई है, अभी तो जोश है, तुमने किनारा ढूंढते हो क्यों, उतरना है उतर जाओ, धनवंतरी की गहराई में उठा लाओ उस मोती को, रॉयल्टी।